नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं लोकतंत्र की लोक यात्रा। बांका संसदीय क्षेत्र का सुल्तानगंज यानी बांका संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। लोकतंत्र में जानेंगे जनता का मूड, क्या कहती है जनता, कैसा हो सांसद और अब तक जो सांसद थे उन्होंने क्या कुछ किया है ये बताएं। ये सुल्तानगंज किस लिए फेमस है? इसलिए क्योंकि यहाँ से जल लेकर बाबा नगरिया तक पहुँचते हैं, तो ये बहुत ही अपने आप में प्रसिद्धि वाला क्षेत्र है, ऐतिहासिक भी है। क्या आपके संसदीय क्षेत्र में सांसद जी से क्या उम्मीदें थी और क्या उन्होंने पूरा किया? आज 5 साल में यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे वो नजर तक भी नहीं आए यहाँ, इसलिए इस बार बदलाव है। बिहार में 40 का 40 सीट NDA जीत के जा रही है और खास करके बांका से तो सुल्तानगंज विधानसभा से यहाँ से NDA जो है 25 से 30 हजार वोट से लीड कर रही है। सर, क्या वाकई ये सच कह रहे हैं? हाँ, एकदम सही बात है। वो 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं और हम लोग इस बार पूरे NDA में लगे हुए हैं, तो NDA की जीत सुनिश्चित करेंगे, 40 के 40 सीटों पर करेंगे। यहाँ सुल्तानगंज में आशा था उनसे कि यहाँ का सावन विश्व प्रसिद्ध मेला है जिससे कांवड़िया को कुछ सुविधा मिले और कांवड़िया को हर तरह का सुविधा, लेकिन यहाँ के सांसद जो बने कोई सुविधा क्या, यहाँ तक उद्घाटन करने के लिए भी नहीं आते हैं। तो हम लोग को बदलाव चाहिए और हम लोग बदलाव के मूड में हैं और हम लोग को फिर से नरेंद्र मोदी का सरकार चाहिए जो विकास करे और यहाँ पे NDA का जो भी दिए हैं गिरधारी यादव जी को उनको फिर से जिताएं जो विकास हो जाए नरेंद्र मोदी की सरकार। कुछ युवा भी है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप अपने सांसद को जानते हैं कौन है? हाँ जी, गिरधारी यादव जो है उन्हीं को ही मिलना चाहिए क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध सुल्तानगंज जो धार्मिक स्थल है इसका विकास जो होना चाहिए उस अनुसार से बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमको ऐसा नेता चाहिए जो इस सुल्तानगंज को जो विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पर विश्व स्तरीय पर जाने, ऐसा विकास होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो कि विकास को आगे बढ़ा रही है वही रहे, हम लोग NDA साथ के साथ है। अब की बार 400 पार होगा और फिर से जो है देश में प्रधानमंत्री की सरकार बनेगी और पूरा विश्व गुरु हम लोग भारत होने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी को फिर से जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम लोग संकल्प ले लिए हैं। केंद्र में मोदी या बिहार में नीतीश का सरकार होना चाहिए। मोदी जी तो आना चाहिए एक कभी देश के लिए बहुत। केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश कुमार। तो ये देश की जनता है, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, इधर काम करे हम लोगों के, हम लोग जैसे हम लोग युवा हैं, हम लोगों का भी एक बात होना चाहिए कि कैसी मतलब हर जगह जो भी हमारी कमियां है उसको पूरा करे कम्प्लीटली, जो कि अभी अब तक आपके कमियों को पूरा नहीं किया गया। कमी सर कुछ हद तक हुआ है और कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर यहाँ पे हम लोगों को काफी दिक्कतें आती है, जैसे सर एम्बुलेंस वगैरह सब जाता है सर, तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत 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 हद तक है, जैसे कि भीड़ है और यहाँ पे देखिए आप लोग बाहर में ही सब कुछ लगा दिया जाता है सब कुछ, तो फिर उसी में एम्बुलेंस रहता है तो घंटों एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी रहती है। लालू यादव पंजीकृत है, लालू यादव का 25 सीट गठबंधन में आएगा, पूर्णिया से लेके भागलपुर तक लेके मुंगेर तक के बांका क्षेत्र में आएगा। लालू यादव तो जेल में है। लालू यादव नहीं है, उसका गठबंधन में आएगा, गठबंधन में आएगा, आएगा पक्का। इनको यकीन है 25 सीट आएगा उसको, 25 का बंधन है, 25 आएगा ना होगा, झारखंड से लेके अररिया लेके पूर्णिया तक होगा, तो हम गिनती कर लीजिए उतना मिलेगा, लालू यादव गठबंधन में जीतेगा। मोदी सरकार 400 पार इस बार जो है केंद्र में जोरदार सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनने जा रही है, इसमें सारे युवा आप देख रहे हैं सर, सारे युवा मोदी, हर हर मोदी, जय हर मोदी, मिलेगा मिलेगा 25 सीट मिलेगा, गारंटी है मिलेगा, लालू यादव का मिलेगा ना सर। मोदी मोदी तो किया जा रहा है सर, लेकिन एक बात ये भी है कि अंधभक्त हम लोगों को नहीं बनना चाहिए,
जो भी चीजें हुई है बीच में पुलवामा वाला अटैक को लेकर के मोदी जी का काफी उधर पलरा भारी हो चुका है। उन्होंने जो भी एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करा है पाकिस्तान को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के जो भी रिस्पॉन्ड करा है उनका सर काफी सराहनीय है वो चीज। लेकिन सर जो भी हम लोगों को जैसे वैकेंसी भी तो दे रहे ना 72,000 रुपया बोले वो, तो उसके बारे में सर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी जाके जब तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। बिल्कुल, तो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होगा इससे पहले कि जाम लग जाए। हम लोग थोड़ा सा जाम से इधर भी आ जाते हैं क्योंकि ये वही चौराहा है जहाँ लाखों लोग हर दिन जल लेकर बाबा नगरी की तरफ रवाना होते हैं और ये पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके से है। आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। कैसा हो आपका सांसद? जयप्रकाश यादव जैसा हो। पूरा 42 को पुल बनवाए, पूरा पंखा लोकसभा में जगह जगह रोड बनवाए, नाला बनवाए और उसके बाद मजबूती से संसद में बहुत मजबूती से हर चीज का मुद्दा उठाते हैं। सबसे ज्यादा भागीदारी है उनका। गिरधारी यादव जी मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए। तो देखा आपने अलग अलग मूड है देश का, अलग अलग मिजाज है। तो ये बांका संसदीय क्षेत्र की जनता जो मानती है कि कहीं गठबंधन की सरकार आए तो कहीं महागठबंधन की, देखते हैं आगे होता है क्या। फिलहाल लोक यात्रा के अगले पड़ाव पर हम लोग फिर मिलेंगे।